एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन के अंदर जो रेगुलर पानी निकलता है उसकी समस्याओं के बारे में, और कई वाशिंग मशीनों में पानी नहीं निकलता है उसकी समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको पूरी तरह से जो सल्यूशन है वो समझ में आ सके। और दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों प्रेजेंट है आपके सामने सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन। दोस्तों आइए, जैसे कि हमने पहले बताया था, वाशिंग मशीन के अंदर जो रेगुलर पानी लीकेज होता है या फिर पानी ड्रेन करने पर निकलता ही नहीं है, उन समस्याओं के बारे में हम आपको समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको ये पीछे का जो इसका ढक्कन है ये खोलना है, और कई वाशिंग मशीनों में स्क्रू होते हैं, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोल सकते हैं। कई वाशिंग मशीनों में लॉक भी होते हैं। ये खोलने के बाद में दोस्तों इसके अंदर ड्रेन पाइप से जुड़ी हुई ये एक कॉकरोच बेलो लगी रहती है जो कि घुमाने पे खुल जाती है। जिस तरह से हम डिवरी को खोलते हैं उस तरह से ये खुल जाती है। और ये खोलने के बाद में इसके अंदर सिक्के वगैरह या फिर कोई कचरा वगैरह अगर अड़ जाए तो जिसकी वजह से वाटर रेगुलर लीकेज होने की समस्या आ जाती है, या फिर जो कपड़ों से निकला हुआ मैल जम जाए तो वाटर पानी रुक जाता है, तो इस कॉकरोच बेलो को अच्छी तरह से पानी में धोना धो करके साफ करके लगाओ। और उसके बाद में इसके कॉकरोच बेलो जो देखो या फिर ये कट भी जाती है तो भी रेगुलर पानी आ जाता है। चूहे वगैरह या फिर कोई नुकीली चीज़ इस पर लग जाए, ब्लड वगैरह। और दोस्तों इसके अंदर देखो सिक्के भी फंस जाते हैं, तो उन सिक्कों को आसानी से निकाल सकते हैं इसके अंदर से। और निकालने के बाद में इसको वापस लगा दिया जाता है। तो इसका लगाने का कार्यक्रम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसके पल्सीटर को खोलेंगे। ये देखो दोस्तों इसका जो पल्सीटर है वो खोल करके इसको भी साफ किया जाता है। इसमें काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो रुक जाता है। इस पल्सीटर के अंदर एक स्क्रू होता है, स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लिया जाता है, और पल्सीटर के अंदर भी काफ़ी कचरा जम जाता है। दोस्तों उस कचरे को भी अच्छी तरह से साफ़ किया जा करके तब लगाना चाहिए। और ये हमारी प्रॉपर वाशिंग मशीन की सर्विस हो गई है, और उस कॉकरोच मोटर को वापस